अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट सिविल इंजीनियर। गाइस, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट क्या होती है, इसके रीजंस क्या क्या होते हैं, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज़ ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। इट इज़ इसेंशियल दैट कंक्रीट शुड विदस्टैंड द कंडीशन फॉर विच इज हैज़ बीन डिज़ाइंड without deterioration over a period of years, such concrete is said to be durable. यानी कि जो कंक्रीट हम किसी भी एनवायरनमेंट के हिसाब से वहाँ की कंडीशंस के हिसाब से जो हम कंक्रीट डिज़ाइन करते हैं बग़ैर किसी ख़राबी के, उसी तरीके से मुस्तहकम रहती है, उसी कंडीशन में रहती है, तो इसको हम कहते हैं ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। ऐसी कंक्रीट को हम कहते हैं ड्यूरेबल। द एब्सेंस ऑफ ड्यूरेबिलिटी मे बी कॉज एदर बाय द एनवायरनमेंट टू विच द कॉन्क्रीट इज एक्सपोज और बाय इंटरनल कॉजेज विद इन द कॉन्क्रीट इट्स सेल्फ। एब्सेंस ऑफ ड्यूरेबिलिटी की वजूहात क्या होती हैं, जैसे आपने कोई कॉन्क्रीट करी है जो कुछ सालों के बाद जो है उसमें इस तरीके से क्रैक्स पड़ना शुरू हो गए, तो ये हमारी कहलाती है एब्सेंस ऑफ ड्यूरेबिलिटी। इसकी क्या वजूहात होती है, एक तो या तो ये इन्वायरमेंट की वजह से होती है या कंक्रीट की इंटरनल कंडीशन की वजह से होती है। तो अब इसमें एक आ जाता है आपका एक्सटर्नल कॉजेज और इंटरनल कॉजेज, तो वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो पहले हम जान लेते हैं एक्सटर्नल कॉजेज। एक्सटर्नल कॉजेज क्या होते हैं, द एक्सटर्नल कॉजेज कैन बी फिज़िकल, केमिकल और मैकेनिकल। ये फिज़िकल भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं, मैकेनिकल भी हो सकते हैं। दे मे बी ड्यू टू द वेदरिंग, ऑक्योरेंस ऑफ एक्सट्रीम टेम्परेचर, एब्रेशन, इलेक्ट्रोलिटिक एक्शन एंड अटैक बाय द इंडस्ट्रियल लिक्विड एंड गैसेस। वेदर की वजह से भी हो सकता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से, एब्रेशन की वजह से, इलेक्ट्रोलिटिक एक्शन और जो हमारा इंडस्ट्रियल गैस और लिक्विड्स होता है उसके अटैक की वजह से जो है हमारी ये एब्सेंस ऑफ ड्यूरेबिलिटी हो जाती है कंक्रीट में। तो ये है इसकी एक्सटर्नल कॉजेज। अब इंटरनल कॉजेज क्या हैं इसकी, इंटरनल कॉजेज हैं, द इंटरनल कॉजेज आर द एल्केली एग्रीगेट रिएक्शन। जो आपका एल्केली एग्रीगेट होता है उसका रिएक्शन जो होता है वो आपकी कहलाती है इंटरनल कॉजेज। द मोस्ट कॉमन रिएक्शन इज दैट बिटवीन द एक्टिव सिलिका कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एग्रीगेट एंड द एल्केलीज इन सीमेंट। तो मोस्ट कॉमन रिएक्शन हमारा क्या होता है, जो हमारा एग्रीगेट होता है उसमें एक्टिव सिलिका होते हैं। एक्टिव सिलिका जब वो सीमेंट पेस्ट के साथ मिलता है तो उसमें रिएक्शन होता है, तो ये हमारा मोस्ट कॉमन रिएक्शन होता है एब्सेंस ऑफ ड्यूरेबिलिटी का। जैसे कि आपने आपके कंक्रीट में एग्रीगेट है, जब ये सीमेंट के साथ पेस्ट मिलता है तो इसका रिएक्शन होता है। वो रिएक्शन क्या करता है आपका, वॉल्यूम चेंजेस ड्यू टू द डिफरेंस इन थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एग्रीगेट एंड सीमेंट पेस्ट। वो आपके जो है वॉल्यूम चेंज कर देता है, मतलब आपका इस तरीके से एग्रीगेट का वॉल्यूम चेंज होगा कॉन्क्रीट का आपका, और इस पर क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाएंगे आपकी कॉन्क्रीट पर। तो ये किस वजह से होता है, रिएक्शन की वजह से होता है, एक्टिव सिलिका जो आपके एग्रीगेट में होते हैं और अल्केलीज इन सीमेंट जो सीमेंट के अंदर होते हैं। सो गाइस, ये हमारी आज की बड़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। ये अक्सर इंटरव्यू वगैरह में इसका क्वेश्चन हो सकता है, बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं होता ड्यूरेबिलिटी क्या है, कॉन्क्रीट में ड्यूरेबिलिटी क्या होती है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर